जीवन है। जल आनंद का स्रोत है। जल के बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है। स्वच्छ जल की जरूरत जीवन का आधार है। इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि घर में सुरक्षित जल की उपलब्धता हम सबके सर्वांगीण विकास में मददगार हो सकती है। साथ ही इससे गंदे पानी के कारण होने वाली बीमारियां और इसके कारण होने वाली लाखों बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकता है। साफ एवं स्वच्छ जल को नल के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने हेतु भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। मित्रों, ये केवल पानी पहुंचाने का लक्ष्य नहीं है, ये पानी पहुंचाने के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है कि पानी के माध्यम से, इस पानी के आंदोलन के माध्यम से हम गांवों में लोकतंत्र का पुनर्स्थापन और सुदृढ़ीकरण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और मार्गदर्शन था कि हम प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाएं, लेकिन गांव में पीने के पानी के प्रबंधन की व्यवस्था वो गांव के लोग मिलकर के करें, गांव की चुनी हुई समिति मिलकर के करें और उस समिति में कम से कम 50% महिलाएं हों, ऐसा सुनिश्चित किया जाना, ये हम सबने आग्रह किया है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमको पूरा करना है और मध्य प्रदेश के सभी ग्रामवासियों को आज आश्वस्त करना चाहता हूं, 2023 के अंत तक कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां पाइपलाइन बिछा के घर में नल लगा के शुद्ध पीने का पानी ना दिया जाए। मेरी बहनों, ये हैंडपंप की खटर खटर बंद करके तुम्हारी जिंदगी की जो कष्ट था और तकलीफ थी वो हमेशा के लिए दूर कर दूं। अब तक मध्य प्रदेश में 1,23,00,000 परिवारों में से 27,00,000 परिवारों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों की सहभागिता से दिसंबर 2023 के अंत तक शेष 95,00,000 परिवारों में नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। भारत शासन, राज्य शासन एवं आपके सहयोग से ये योजना तो 2-3 वर्षों में पूरी हो जाएगी, बल्कि मिशन के लिए तो 2024 तक का समय रखा गया था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए समय सीमा दिसंबर 2023 रखी है, अर्थात दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश के समस्त ग्रामों के लगभग 1,20,00,000 से ज्यादा घरों में नल जल का कनेक्शन होगा। हर घर जल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक विजन है, जो मंशा है, वो पूर्ण किया जाएगा। इस कार्य को करने में हमें जो विशेषज्ञ संस्था है, जिनको कि इस तरीके के कार्य करने का भारी अनुभव है, जैसे यूनिसेफ, वॉश, इन दोनों संस्थाओं का मध्य प्रदेश में हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। यूनिसेफ वॉश के माध्यम से काफी सारे गांव में ये विलेज एक्शन प्लान बन भी चुके हैं। इस योजना को बनाने में जो राशि व्यय, उसमें अगर सामान्य क्षेत्र के गांव है तो 10% का उसमें सहभागिता हो, और अगर अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य है तो उसमें 5% का सहभागिता हो। जरूरी नहीं है कि ये आप राशि के माध्यम से करें, आप इसको अपने श्रमदान से कर सकते हैं, आप और भी किसी भी रूप से अपना ये अंशदान देना चाहते हैं तो ये दे सकते हैं, और ये अत्यंत आवश्यक है। इस कड़ी में उज्जैन की ग्राम पंचायत मुंजा खेड़ी में जन भागीदारी से निर्मित जल प्रदाय योजना ने ग्राम का परिदृश्य ही बदल दिया। प्रतिदिन स्वच्छ जल प्रदाय से खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं में बहुत उत्साह है कि उन्हें अब दूर से पानी भरने के लिए रोज की मशक्कत नहीं करनी होगी। यहाँ नल जल योजना के माध्यम से पानी का शुद्धिकरण कर रोजाना हर घर में नल से जल पहुँचाया जाता है। यहाँ ग्राम पंचायत, जल स्वच्छता समिति और जनमानस नियमित बैठक करते हैं, जिसमें जल प्रदाय हेतु सुझाव, शिकायत, संचालन, प्रति घर से राशि संग्रहण पर चर्चा कर समाधान निकाला जाता है। ये जन भागीदारी से नल जल योजना क्रियान्वयन का एक उम्दा उदाहरण है। मुझे उम्मीद है कि हम सभी के समन्वित प्रयास से हम सभी ग्रामवासी मिलकर के
ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के इस महत्व कार्यक्रम को जो हाथ में लिया है भारत सरकार ने, मध्यप्रदेश सरकार ने, इसको समय सीमा में पूरा करेंगे और इसमें ग्रामीण जनों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं उनसे आह्वान करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में एक अपना आहुति प्रदान करें, आहुति दे, जिससे कि इस कार्यक्रम को हम समय सीमा में पूरा कर सकें। आइए अब जानते हैं उज्जैन की ग्राम पंचायत लिम्बा पिपलिया के ग्रामीण जन कैसे अपने ग्राम की पेयजल योजना की नियोजन, निर्माण, संचालन और संधारण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले पीएचई से आए अधिकारी के साथ ग्राम पंचायत में बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें अधिकारी ग्राम पंचायत और जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को योजना की जानकारी से अवगत करवाता है। सरकार तरफ से नल जल की योजना आई है तो अपने सभी ग्रामवासियों को सभी को साथ देना है और सभी का साथ चाहिए। आप सहयोग करोगे तो अपने नल जल योजना टंकी जल्दी से बन जाएगी। विभाग से आए अधिकारी, सरपंच, ग्राम के प्रभावी लोग, महिलाएं एवं पुरुषों के साथ एक बैठक का आयोजन होता है। इस बैठक में पेयजल योजना के महत्व, निर्माण और क्रियान्वयन के बारे में चर्चा होती है। तो आज हम आपके गांव में दो दिन का योजना बनाएंगे, मतलब हम आपके गांव में बैठेंगे, आपके साथ गांव घूमेंगे, हम देखेंगे कहां पे हम टंकी बना सकते हैं, कहां पे पाइपलाइन बिछानी है। योजना बनाने में जो समय लगेगा उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। तैयार हैं। सभी ग्रामवासियों द्वारा सामाजिक मानचित्र के माध्यम से अपने गांव की जल और स्वच्छता की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाता है। अभी पूरा नक्शा बना के देखेंगे कि रोड किधर है, रास्ते किधर है, स्कूल किधर है, आंगनवाड़ी किधर है ना। ये सब करने के लिए आपको हमारी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। गाँव अपना है, आप हमें बताओगे तो फिर हम लोग उसको कर पाएंगे। अब जो है जो मुख्य रास्ता है वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये समझने की कोशिश की जाती है कि आज की स्थिति में कितने घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, सामुदायिक स्थानों पर पानी की उपलब्धता है। ग्राम में स्थित वर्तमान पेयजल योजना की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए विभाग के इंजीनियर के साथ जनप्रतिनिधि भ्रमण करते हैं, जिसमें देखा जाता है कि कौन सी संरचना का निर्माण कहां हो सकता है। साथ ही योजना का संचालन और रखरखाव का अध्ययन भी इस सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। जल स्वच्छता समिति के सदस्य एवं मैदानी कार्यकर्ता घर घर में सर्वेक्षण के माध्यम से पेयजल आपूर्ति, उपयोग, समस्याओं आदि की जानकारी जुटाते हैं, ताकि वास्तविक कार्य योजना बनाई जा सके। गाँव में पिछले कुछ दशकों से आए सामाजिक बदलाव, स्वास्थ्य, वर्षा जल, भूजल स्तर, सिंचाई आदि विषयों पर ग्राम के बुजुर्गों से चर्चा कर समय सीमा मानचित्र का निर्माण किया जाता है। पहले पानी कहाँ से मिलता था आपको पीने के लिए, कितना मिलता था? कुएं पे से मिलता था। साल भर पानी पूरा अच्छा मिल जाता था पीने के लिए? पानी तो ऊपर मिलता था। समय सीमा मानचित्र से ये पता लगाया जाता है कि हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों, वर्षा जल, भूमि जल का कितना दोहन कर लिया है और अब उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। ग्रामीण सहभागी आकलन प्रक्रिया से प्राप्त जानकारियों को चार्ट पेपर पर संकलित कर लिया जाता है। वर्तमान में जल और स्वच्छता सुविधाओं की स्थिति, सुझाव, उपाय के आधार पर इंजीनियर ग्राम पंचायत तथा जल एवं स्वच्छता समिति तीन विकल्प चिन्हित करते हैं। ग्राम की नल जल योजना की स्वीकृति के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, जहाँ प्रस्तावित जल प्रदाय योजना का प्रस्तुतिकरण होता है। हर विकल्प के घटक, योजना की लागत राशि, रखरखाव, संचालन और प्रति व्यक्ति व्यय पर जानकारी प्रदान करता है। तीनों विकल्प में से समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकता, धनराशि, संचालन क्षमता, दूसरी योजनाओं से अभिसरण कर प्राप्त होने वाली धनराशि के आधार पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करती है। ये आपकी गांव की नल जल योजना के लिए एक विकल्प है पहले नंबर का, जिसमें आपको 80 रुपए पर घर पे देने के लिए पूरे महीने का खर्चा देने के लिए आप सब लोग तैयार हो? ग्राम सभा की बैठक के आधार पर कार्य योजना का विस्तृत दस्तावेज तैयार कर लिया जाता है, जिसे जिला जल एवं स्वच्छता समिति को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। हमें विश्वास है कि आप सब अपने अपने गांव में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना के निर्माण और संचालन में अपना योगदान देंगे।
अपने गांव के हर परिवार तक नल से जल पहुंचाने की परिकल्पना को साकार करेंगे और अपनी भावी पीढ़ी के लिए पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मेवा जी आप।